हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे हेटविक्स में। तो गाइस, जैसे आपने वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में जाना था कल की वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवॉर्मिंग के फायदे के बारे में। डिवॉर्मिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कोई लोग नहीं करते तो उसके डिसएडवांटेज, और जो करते उसके एडवांटेज क्या क्या है, वो सभी इस वीडियो में हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करें। जिन लोगों हमें सपोर्ट नहीं करते प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर करके, और जो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कल की वीडियो में आप सभी को बताया था वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जैसे डिवॉर्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉग के लाइफ में। और जो आप अगर डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करते हैं तो उसके चलते बहुत सारे फायदे आपके डॉग के बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे आपका डॉग बाहर की गंदगी खाता है, कभी कभार पत्थर वगैरह खा लेता है, कभी कभार लकड़ी वगैरह भी खा लेता है, जूते चप्पल कभी कभार चबाता है, और बाहर जाता है जैसे कि कभी कभार बाहर के कंकड़ पत्थर या फिर गंदगी, जैसे कि कभी कभार गोबर वगैरह भी खा लेता है डॉग, ऐसी हरकतें करता है। तो वो किसकी वजह से करता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो नेचुरल डिवॉर्मिंग करने का सोचते। जैसे कि स्ट्रीट डॉग क्या करते हैं, कभी कभार घास वगैरह खा रहे थे, वॉमिटिंग करते हैं, या फिर बाहर के गोबर वगैरह होते हैं उससे वो नेचुरल डिवॉर्मिंग करते हैं। बट आप अपने डॉग को जो है टैबलेट के ज़रिए जो है डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। अगर आपके पास पपी एज है तो पपी के लिए लिक्विड फॉर्म में आता है डिवॉर्मिंग, तो वो भी आप करा सकते हो। अगर आप टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपके डॉग का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपके डॉग की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, आपके डॉग को भूख अच्छे से लगती है, खाया हुआ अच्छे से पच जाता है, जिसके कारण आपकी डॉग की बॉडी अच्छी खासी ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। बाहर की गंदगी चीज़ें नहीं खाता डॉग, उसके कारण जैसे बीमारी होना या फिर आपके डॉग को लूज मोशन होना, पेट खराब होना, वॉमिटिंग करना, ऐसी सारी जो हरकत है वो भी आपका डॉग नहीं करता। और जो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हैवी डॉग ब्रीड लेके आते हैं 15,000, 20,000, 30,000 का, उसको प्रॉपर तरीके से मेगा डॉग फूड भी देते हैं 3,000, 4,000 वाला, बट तो भी उसकी हेल्थ अच्छी खासी इंक्रीज़ नहीं होती। तो उसका मोस्ट ऑफ द जो रीज़न होता है वो डिवॉर्मिंग होता है, क्योंकि डिवॉर्मिंग की जो टैबलेट होते हैं वो आपको बता दूँ उसका प्राइस जो है 150 से 200 रुपया होता है, बट वो आपके डॉग के लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप करते हैं तो जो खाया हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेता है आपका डॉग, आपके डॉग की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, और जो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, वो मरते हैं, जिसके कारण आपके डॉग की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होती है, मेल्स होते हैं, जो फीमेल होती है कभी कभार हीट पे टाइम टू टाइम नहीं आती, या फिर कुछ भी और भी ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण आपका डॉग जो हेल्दी नहीं है, तो वो डिवॉर्मिंग के चलते होता है। इसलिए डिवॉर्मिंग जो है आपको कंपलसरी करानी पड़ेगी। डिवॉर्मिंग आप जो है 3 से 4 महीने के अंदर आप करा सकते हैं। वो आपको टैबलेट आती है, जैसे उसका वजन होता है डॉग का, उस हिसाब से आपको उसको टैबलेट देनी है, और आपको भूखा पेट आप उसको देना, जैसे कि मॉर्निंग में आप दे सकते हो तो मॉर्निंग में बेस्ट काम करेगा। आप चाहे तो ऐसे ही उसको खिला सकते हो। अगर आप किसी और के साथ खिलाते हो, जैसे कुछ खाने को दे रहे हो या फिर कुछ दे रहे हो, तो उसके चांसेस है कि उसके अंदर आप डाल के देते हो तो अच्छी बात है, बट स्ट्रीट डॉग वगैरह खा लेते हैं। बट आपका डॉग अगर ऐसी गोली खा लेता है तो आप ऐसे ही दीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी डॉग की जो डिवॉर्मिंग है वो 100% हो चुकी है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, आप डिवॉर्मिंग भी कराते हो बट वो उसकी बॉडी पे लगता नहीं, तो आपको फिर से डिवॉर्मिंग वो जो करानी पड़ सकती है, क्योंकि जो अभी आपने जो डिवॉर्मिंग की वो फेल भी हो सकती है। आप जो कंपनी यूज़ करते हो वो अच्छी ब्रांडेड यूज़ कीजिएगा, तो ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी डिवॉर्मिंग की टैबलेट मंगा सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर या फिर जो नज़दीक में कोई पेट स्टोर हो तो वहाँ से भी आप डिवॉर्मिंग की टैबलेट ले सकते हैं। पर डिवॉर्मिंग आप ज़रूर से कराएं, चाहे तो आप 2-3 महीने के गैप में भी करा सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। ऐसा नहीं कि स्मॉल टाइप या मीडियम साइज के या फिर लार्ज साइज़ के डॉग को ही कंपलसरी है, आपके पास कोई भी डॉग हो, चाहे आपके पास स्ट्रीट डॉग क्यों ना हो, तो उसकी भी आप डिवॉर्मिंग ज़रूर कराएं। डिवॉर्मिंग के साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे फीमेल हो मेल हो, उनके बोन्स के लिए या फिर उनको मल्टीविटामिन के लिए भी आपको टैबलेट या सिरप आते हैं, वो भी आप कंपलसरी उसको देना है। आपको हमेशा के लिए नहीं देना है, बट जो स्टार्टिंग के एज होती है 2-3 साल तक, आप उसको दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका कारण जो भी उसकी कमी होगी शरीर के अंदर वो दूर होगी, और आपका डॉग जो अच्छा और फिट और हेल्दी रहेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको जो डिवॉर्मिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो आप भी अपने डॉग की डिवॉर्मिंग ज़रूर से कराएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा, वो वीडियो आपके लिए लाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।